हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां चीन की चालबाजी हुई बेनकाब, एलएसी के पास लगाए 3 मोबाइल टावर। जी हां दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है चाइना को लेकर। जी हां दोस्तों, एलएसी पर बहुत बड़ी हरकत दोस्तों चाइना ने की, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर व्लादिमीर पुतिन की जिद ने रूसी सेना को किया तबाह। जी हां दोस्तों, बताएंगे ये रिपोर्ट क्या कहती है दोस्तों रशिया को, और इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों, जहां रशिया की सख्त चेतावनी, कहा नहीं किया सरेंडर तो तबाह हो जाएगा मारियोपोल। जी हां दोस्तों, बताएंगे किसको सरेंडर को लेकर बड़ी बात कह रहा है रशिया और धमकी दे रहा है यूक्रेन को। जी हां दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर अब शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखी चिट्ठी, कश्मीर राग फिर से अलापा है। जी हां दोस्तों, बताएंगे इस बार पीएम मोदी को चिट्ठी में कश्मीर को लेकर क्या कहा है शहबाज शरीफ ने। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच आगे आपको बताएंगे जहां पर दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर दोस्तों जेपी नड्डा का बहुत बड़ा बयान, बताएंगे क्या कहा उन्होंने। और इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर बैंक को लेकर बहुत जरूरी खबर है दोस्तों, बैंक खुलने के समय को लेकर समय बदल दिया गया है, बताएंगे किस बैंक की बात चल रही है दोस्तों, किस बैंक से जुड़ी खबर है। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर गाड़ी चलाते समय अगर साथ में नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी या बीमा तो नो टेंशन, बताएंगे दोस्तों अब सरकार ने क्या नया नियम लागू किया है गाड़ियों को लेकर दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी हम आपको अभी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी, यहाँ तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है, और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों, और मानते हैं कि अपना भारत देश नंबर वन देश है और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है। तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन की चालबाजी हुई बेनकाब, एलएसी के पास लगाए 3 मोबाइल टावर, स्थानीय पार्षद ने शेयर की तस्वीरें। जी हाँ दोस्तों, चीन की एक और बहुत बड़ी चालबाजी बेनकाब हो गई है दोस्तों, उसने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास 3 मोबाइल टावर लगा दिए हैं। एलएसी के फ्रंट वाले इलाके में चीन के कब्जे वाले क्षेत्र में 3 नए मोबाइल टावर लगाए जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। और दोस्तों ये तस्वीरें लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह के चुगुल से पार्षद कोचोंग स्टेजिन ने शेयर की है। जानकारी के मुताबिक चीन ने पेंगोंग झील पर पुल का काम खत्म करने के बाद हॉट स्प्रिंग इलाके में ये 3 टावर लगाए हैं दोस्तों। ये जगह भारत के काफी करीब है, और इससे पहले भी कई बार इसी तरह की खबरें सामने आ चुकी है। दरअसल चुशूल विरनाचन क्षेत्र एलएसी से सटा हुआ है, जहां चीन जो भी हरकतें करता है वो स्थानीय ग्रामीणों को नजर आ जाती है। तो वहीं कौन चोक स्टेजिन ने तस्वीरें शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि पेंगोंग झील पर पुल बनाने का काम पूरा हो गया है। चीन ने चीनी हॉट स्प्रिंग के पास भारतीय क्षेत्र के बेहद करीब 3 मोबाइल टावर लगाए हैं, क्या यह चिंता की बात नहीं है? जहां लोग रहते हैं उन गांव में हमारे पास 4G सुविधाएं भी नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 11 गांव में 4G सुविधा नहीं है। इस इलाके से पेंगोंग झील के उस पार चीन की गतिविधियां सामने नजर आती हैं। यानी कि दोस्तों भारत को लेकर फिर एक बार चाइना की बहुत बड़ी चालबाजी बेनकाब हुई है दोस्तों। और ऐसे में चाइना बेशक कितनी भी भारत की बड़ाई कर ले दोस्तों, भारत और अमेरिका को लड़वाए, लेकिन दोस्तों चाइना अपनी चालबाजी नहीं छोड़ने वाला, और अंदर ही अंदर वो भारत को काटने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। ऐसे में आपका क्या रिप्लाई होगा चाइना को कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और सारे भारतीयों को यह खबर पता चले दोस्तों, इसके लिए वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर जहां मन करे वहां शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, लाइक करना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर व्लादिमीर पुतिन की जिद ने रशिया सेना को किया तबाह, यूक्रेन युद्ध में मारे गए 8 जनरल और 34 कर्नल। जी हां दोस्तों, यूक्रेन में जारी युद्ध में रूसी सेना को बिना किसी बड़ी बढ़त के भारी नुकसान पहुंचा है दोस्तों। इसके बावजूद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले और तेज करने की कसम खाई है। 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण का ऐलान किया था, तब व्लादिमीर पुतिन के साथ पूरी दुनिया ये मानकर चल रही थी कि रूसी सेना 2 से 3 दिनों में यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर लेगी, लेकिन अमेरिका और नाटो देशों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेनी सेना ने रशिया को कड़ी टक्कर दी। हालात ये है कि रूसी सेना अभी तक यूक्रेन के किसी भी बड़े शहर पर पूर्ण रूप से कब्जा नहीं कर सकी है। हालांकि इस दौरान रूसी सेना के 8 जनरल और 34 कर्नल मारे जा चुके हैं।
जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी। आपको बता दें दोस्तों कि रूस ने बहुत बड़ी सख्त चेतावनी दी है, कहा नहीं किया सरेंडर तो तबाह हो जाएगा मारियोपोल। आपको बता दें रूसी सेना ने चेतावनी दी है कि मारियोपोल में समर्पण करने से इनकार करने वाले यूक्रेनी सैनिकों को तबाह कर दिया जाएगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के लोगों को मारियोपोल के अजोवस्ताल स्टील मिल में रविवार को स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 1 बजे तक समर्पण करने के लिए कहा है। सेना ने कहा है कि जो लोग हथियार डालते हैं उन्हें अपनी जान बचाने की गारंटी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनाशेनकोव ने कहा है कि यूक्रेनी सैन्य कमान ने अपने सैनिकों के समर्पण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि रूसी सेना को खुफिया संचार से यह सूचना मिली है। कोनाशेनकोव ने चेतावनी दी है कि जो लोग प्रतिरोध जारी रखेंगे उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है, यानी उन्होंने दावा किया है कि यूक्रेनी सैनिकों के साथ अजोवस्ताल में भाड़े के लगभग 400 विदेशी सैनिक हैं, जिनमें से अधिकतर यूरोपीय देशों और कनाडा से हैं। दोस्तों कोनाशेनकोव के दावों की स्वतंत्र तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर रशिया यूक्रेन को लेकर। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर शहबाज शरीफ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से चिट्ठी, कश्मीरी मुद्दा उठाया और सार्थक बातचीत की वकालत। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र आया है दोस्तों कश्मीरी मुद्दे को लेकर। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कही है ये बात। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया है दोस्तों। पाकिस्तानी पीएम की ओर से पीएम मोदी जी को भेजे गए पत्र में शरीफ ने लिखा है कि पाकिस्तान भारत के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगी संबंध चाहता है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीरी राग अलापते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर सहित सभी बकाया विवादों का शांतिपूर्ण समाधान आवश्यक है। शरीफ ने अपने पत्र में इस्लामाबाद को भारत के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक संबंधों का पक्षधर बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से पाकिस्तान नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बधाई संदेश भेजे जाने के बाद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की ओर से एक पत्र आया है। वहीं कहा जा रहा है दोस्तों कि 2 दिन पहले एक पत्र लिखकर पीएम ने पाकिस्तान के नए पीएम को बधाई दी थी, जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देने के साथ आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही के लिए भी प्रेरित किया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मोदी जी के पत्र के जवाब में शरीफ ने कश्मीर सहित सभी लंबित मुद्दों के हल की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ शांतिपूर्ण और सहकारी संबंध का पक्षधर है। भारत ये कहता रहा है कि वो पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी की तरह रिश्ते चाहता है, लेकिन इस तरह के संबंध के लिए आतंक मुक्त माहौल बनाने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद पर होगी। ऐसे में दोस्तों भारत का स्टैंड तो क्लियर है, लेकिन पाकिस्तान अब तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहा है दोस्तों। ऐसे में भारत को पाकिस्तान के साथ दोस्तों कोई भी रिश्ता रखने की जरूरत है, आवश्यकता है। आप क्या कहते हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। अगली खबर की बात करें, जहां पर भारत प्रमुख आर्थिक शक्ति, सबसे बड़ा लोकतंत्र और कीमती रणनीतिक भागीदार, इतनी तारीफ आखिर ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन भारत की क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 21 अप्रैल को 2 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। उनकी यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गृह राज्य गुजरात से होकर नई दिल्ली में खत्म होगी। यात्रा से पहले पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि भारत एक प्रमुख आर्थिक शक्ति और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में इस अनिश्चित समय में ब्रिटेन के लिए एक अत्यधिक मूल्यवान रणनीतिक भागीदार है। प्रधानमंत्री बनने के बाद बोरिस जॉनसन पहली बार भारत आ रहे हैं। इससे पहले वे 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भारत आने वाले थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण उनकी यात्रा रद्द कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ब्रिटिश पीएम की इस यात्रा में दोनों देशों के बीच इस साल की शुरुआत में शुरू हुई मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता में प्रगति को भी आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इस समझौते के होने से भारत और ब्रिटेन के बीच 2035 तक द्विपक्षीय सालाना व्यापार 28 अरब पाउंड तक बढ़ाया जाएगा। ऐसे में पूरे ब्रिटेन के वेजेज में 3 बिलियन पाउंड की बढ़ोतरी होगी। पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी जी और बोरिस जॉनसन ने भारत यूके व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर सहमति व्यक्त की थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जॉनसन ने भारत की इतनी ज्यादा तारीफ की है दोस्तों। जॉनसन ने कहा है कि भारत की मेरी यात्रा उन चीजों पर खरी उतरेगी जो दोनों देशों के लोगों के लिए वास्तव में मायने रखती है। इनमें रोजगार सृजन और आर्थिक विकास से लेकर ऊर्जा सुरक्षा एवं रक्षा तक के मुद्दे शामिल है। उन्होंने
कहा, चूंकि हम तानाशाह मुल्कों से अपनी शांति और समृद्धि को खतरे का सामना कर रहे हैं, इसलिए ये अहम है कि लोकतांत्रिक एवं मित्र देश एकजुट रहे। एक प्रमुख आर्थिक शक्ति और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत अनिश्चितता के इस दौर में ब्रिटेन के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको, क्यों इतनी ज्यादा बड़ाई कर रहे हैं भारत की बोरिस जॉनसन? क्या अभी भी ये चाहते हैं कि भारत रशिया का विरोध करे? आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां पर राजनीतिक विश्लेषकों का बड़ा दावा, युद्ध का माहौल भी नहीं संभाल पाया जो बाइडेन की गिरती लोकप्रियता को। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में संसदीय चुनाव होने में अब 3 महीनों का ही वक्त रह गया है, जबकि राष्ट्रपति जो बाइडेन की लोकप्रियता में गिरावट लगातार जारी है। विभिन्न जनमत सर्वेक्षणों के औसत के आधार पर टीवी चैनल CNN ने बताया है कि फिलहाल जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 39% ही, यानी इतने ही मतदाता उनके काम काज से खुश हैं, जबकि राष्ट्रपति के रूप में उनके प्रदर्शन से नाखुश मतदाताओं की संख्या 55% तक पहुंच गई है। इस साल जनवरी के मध्य में जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग 41% थी, यानी बीते 3 महीनों में इसमें 2% की और गिरावट आई है। यानी कि दोस्तों इतने ज्यादा मौके मिले जो बाइडेन को, लेकिन फिर भी जो बाइडेन अपनी इमेज नहीं सुधार पाए दोस्तों, उनकी अप्रूवल रेटिंग काफी ज्यादा लो है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी, जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप में सबसे बेस्ट आपके लिए कौन है नेता दोस्तों, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें जहां पर IMF के साथ समझौते में लगेंगे 4 महीने, तब तक के लिए भारत से मांगी और आर्थिक मदद। जी हाँ दोस्तों, अपने इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की मदद में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं समाचार एजेंसी ANI ने विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि कोलंबो ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से पर्याप्त फंड मिलने तक नई दिल्ली से बीजिंग फाइनेंस उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। IMF से मदद मिलने में 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उनके श्रीलंकाई समकक्ष उच्चायुक्त के साथ कई बैठकें होने के बाद आया है। सूत्रों ने बताया है कि श्रीलंका ने भारत से ये भी कहा है कि वो कोलंबो की लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में सहायता के लिए जापान जैसे मित्र देशों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे। इसके साथ ही उसने मदद उपलब्ध कराने के लिए भारत से बहुपक्षीय मंचों तक पहुँचने की अपील भी की है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें जहाँ पर मुश्किल में श्रीलंका की राजपक्षे सरकार, 19 अप्रैल से संसद सत्र, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा विपक्ष। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहाँ पर अगले CDS की नियुक्ति पर बड़ा मंथन, सेवारत के साथ सेवानिवृत्त अधिकारियों के नाम पर भी हो सकती है चर्चाएं। जी हाँ दोस्तों, नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों तरह के सैन्य अधिकारियों के नाम पर विचार कर सकती है। ये पद पिछले साल 8 दिसंबर को देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत की एक हवाई हादसे में मौत हो जाने के बाद से खाली है। जी हाँ दोस्तों, सरकार अगले CDS के नाम पर मंथन कर रही है। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सरकार अगले सेना प्रमुख की नियुक्ति का ऐलान भी आने वाले सप्ताह में कर सकती है। सूत्रों ने बताया है कि इस पद के लिए नाम पर फैसला लिया गया है। इस पैनल में 3-स्टार और 4-स्टार रैंक के अधिकारियों को शामिल किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। आप क्या कहते हैं दोस्तों, किसको अगला CDS बनाया जाना चाहिए? अगर आपको कोई नाम अच्छा लगता है दोस्तों, लगता है कि देश के लिए सबसे बेस्ट होंगे एज अ CDS, तो दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता किसको नियुक्त करना चाहती है CDS जनरल। अगली खबर की बात करें जहां पर एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पर विफरा तालिबान, कहा अफगानिस्तानियों के धैर्य की परीक्षा न ले। जी हाँ दोस्तों, तालिबान ने रविवार को अफगानिस्तान के खोस्त और कुनार प्रांतों में हाल के हवाई हमलों पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है। तालिबान ने पाकिस्तान से कहा है कि वो अफगानों के धैर्य की परीक्षा ना ले। पाकिस्तान की ओर से शुक्रवार रात को अफगानिस्तान के खोस्त और कुनार प्रांतों पर एयर स्ट्राइक किया गया था। इस हमले में 40 से अधिक नागरिकों की जान चली गई थी। जी हाँ दोस्तों, इन्फॉर्मेशन एंड कल्चर डिप्टी मिनिस्टर जबीउल्लाह मुजाहिद ने रविवार को कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के लोगों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा परिणाम का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुजाहिद जो तालिबान के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने कहा कि हम राजनयिक चैनलों और
और बातचीत के माध्यम से इस मुद्दे को हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर पीएम बनने के बाद पहला यू टर्न लेंगे शहबाज शरीफ, सत्ता में आने पर किया था ये वादा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ईंधन की कीमतों में वृद्धि नहीं करने के अपने फैसले पर पलटी मार सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि जोश में आकर लिया गया शहबाज शरीफ का फैसला राजकोष को घाटा पहुंचा सकता है। ऐसे में सरकार जल्द ही अपने फैसले पर यू टर्न ले सकती है। तेल और गैस नियामक प्राधिकरण ने पाकिस्तानी सरकार को ईंधन के दामों में बढ़ोतरी के सुझाव दिए हैं, जिसमें प्रति लीटर पेट्रोल पर दाम 83.5 रुपए और डीजल के दामों में सीधे 119 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी पेट्रोल और डीजल 200 रुपए प्रति लीटर के पार जा सकता है पाकिस्तान में। अगली खबर की बात करें जहां पर अचानक इमरान खान के बदले सुर, कहा मुझे बाहर करने वाला मैच फिक्स था। कराची में कहा कि मैं भारत विरोधी नहीं हूं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया है कि शहबाज शरीफ नित आयातित सरकार उन्हें खेल से बाहर करने की कोशिश कर रही है। इमरान खान ने साथ ही उन्हें सत्ता से बाहर करने को एक फिक्स मैच करार दिया, जिसका मकसद पाकिस्तानियों को विदेशी ताकतों का गुलाम बनाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख खान ने शनिवार रात एक रैली को संबोधित करते हुए लोगों से सवाल किया कि क्या उन्हें लगता है कि खान की सरकार साजिश या हस्तक्षेप की शिकार हुई है। इमरान खान ने अपने संबोधन में कहा कि मैं देश को ये बताना चाहता हूँ कि मैं कभी किसी देश के खिलाफ नहीं रहा। मैं भारत विरोधी, यूरोप विरोधी और अमेरिका विरोधी नहीं हूँ। मैं दुनिया की मानवता के साथ हूँ। मैं किसी देश के खिलाफ नहीं हूँ। मैं सभी के साथ मित्रता चाहता हूँ, किसी की गुलामी नहीं चाहता। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जब सत्ता हाथ से चली गई है दोस्तों, तो अब अपना बयान पलटते नजर आ रहे हैं। इमरान खान और भारत विरोधी नहीं है ऐसा कह रहे हैं दोस्तों, जबकि जब तक इनकी सरकार थी दोस्तों, एक भी ऐसा प्लेटफॉर्म, एक भी ऐसा रिकॉर्डिंग नहीं होगा दोस्तों, जिसमें इन्होंने कश्मीर मुद्दे पर भारत का विरोध ना किया हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अनाप शनाप ना बका हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब इनके बयान सुलझे नजर आ रहे हैं दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की स्थिति इमरान खान की देखकर आप क्या कहते हैं दोस्तों, कैसी स्थिति है अब इमरान खान की। बढ़ती अगली खबर की ओर, जहां पर दिल्ली एनसीआर को डराने लगा कोरोना, अलर्ट हुए स्कूल, उठा रहे एहतियाती कदम। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, जहां पर दिल्ली हिंसा को लेकर बड़ी खबर, नड्डा ने कहा हिंसा के पीछे विपक्ष का बड़ा हाथ, समाज को तोड़ने की बड़ी कोशिश। जी हां दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव पर जगह जगह हुई हिंसा की घटनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये हमले विपक्ष की बौखलाहट के नतीजे हैं। उन्होंने इन हमलों को लेकर कांग्रेस पर भी गंभीर आरोप लगाए। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस समाज को बांटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की जीत से विपक्ष बौखला गया है और डिजाइन तरीके से कभी राम नवमी शोभा यात्रा पर तो कहीं हनुमान जन्मोत्सव के जुलूस पर हमले किए जा रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव के जुलूस पर हुए हमलों के मामले में अब तक पुलिस 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। हमले के मुख्य आरोपी असलम और अंसार को रोहनी कोर्ट ने 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, तो वहीं अन्य आरोपियों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जी हां दोस्तों, ऐसे में इन दंगों को लेकर दोस्तों आपकी निजी और प्रतिक्रिया क्या होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको बता दें, गिरफ्तारी के बाद भी नहीं ढीली हुई अकड़, मुख्य आरोपी ने दिखाया पुष्पा का स्टाइल, कहा मैं नहीं झुकेगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर हुए दंगा मामले में पुलिस ने अब तक जिस प्रकार से 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है दोस्तों, उनमें से पुलिस कस्टडी में दंगे का मुख्य आरोपी अंसार पूरी तरह से बेशर्मी पर उतारू था और स्टाइल मारता हुआ देखा गया है दोस्तों। दरअसल पुलिस जहांगीरपुरी के दंगे के आरोपियों को पेशी के लिए रोहिणी कोर्ट लेकर जा रही थी, तभी दंगाई बेखौफ नजर आया। इस दौरान पुलिस की कस्टडी में मुख्य आरोपी अंसार ने पुष्पा का पोज दिया दोस्तों और गले के नीचे से अपना हाथ का इशारा देते हुए कहा कि मैं झुकेगा नहीं। जी हां दोस्तों, अब आप समझ पा रहे होंगे इनकी अकड़, जब पुलिस के सामने ढीली नहीं पड़ रही है दोस्तों, तो इन्होंने वाकई में क्या नहीं किया होगा। ऐसे में आपकी क्या राय होगी और इनको क्या सजा मिलनी चाहिए, जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर आजम खान को ओवैसी का पत्र, 3 पन्ने की चिट्ठी में कहा मुसलमानों की हमदर्द नहीं है समाजवादी पार्टी, कृपया साथ आए, रहनुमाई करें और पहचान दिलाएं। जी हां दोस्तों, जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के करीबियों के द्वारा सपा मुखिया अखिलेश यादव पर सपा निशाना साधने के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने आजम खान को अपने पाले में ला
बढ़ाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। पार्टी ने आजम खान को AIMIM में शामिल होने का न्योता दिया है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर राज ठाकरे का बहुत बड़ा बयान, कहा मुसलमानों को समझना होगा कि धर्म कानून से बड़ा नहीं है, सभी हिंदू 3 मई के बाद रहे तैयार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना बोले तो मनसे प्रमुख राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या जाएंगे, साथ ही उन्होंने अपनी अगली जनसभा 1 मई को औरंगाबाद में करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। ठाकरे ने कहा है कि हम महाराष्ट्र में दंगे नहीं चाहते हैं, नमाज अदा करने का किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन अगर आप इसे यानी मुसलमान लाउडस्पीकर पर करेंगे तो हम भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करेंगे। जी हां दोस्तों, राज ठाकरे ने कहा है कि मुसलमानों को समझना चाहिए कि धर्म कानून से बड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि 3 मई के बाद मैं देखूंगा कि क्या करना है। दिल्ली के जहांगीरपुरी की हिंसा पर ठाकरे ने कहा, मुझे लगता है कि इस तरह की बातों का ऐसे ही जवाब दिया जाना चाहिए, नहीं तो वो लोग इसको नहीं समझेंगे। जी हां दोस्तों, राज ठाकरे ने देश के तमाम हिंदू और हिंदुओं से अपील किया कि वे तैयार हैं, अगर 3 मई तक मुस्लिम समाज के लोग मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाते हैं तो हम भी उन्हें लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा लगाएंगे। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर की वजह से सिर्फ हिंदुओं को ही तकलीफ नहीं हो रही है बल्कि इसके शिकार मुस्लिम समाज के लोग भी हो रहे हैं। क्या कहना है दोस्तों आपका राज ठाकरे की बात का, क्या आप समर्थन करेंगे, क्या आप इनके बात को कनेक्ट कर पा रहे हैं दोस्तों, जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर जरूरी खबर, बैंक खुलने का समय बदल दिया गया है, ग्राहकों को मिलेगा एक्स्ट्रा टाइम। जी हां दोस्तों, बैंक के ग्राहकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, अब आपको बैंक से जुड़े कामकाज निपटाने के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा समय मिलेगा। RBI ने 18 अप्रैल 2022 से बाजार के कारोबारी समय से लेकर बैंक तक के समय में बदलाव कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 दिन बैंक रहने के बाद बंद रहने के बाद 18 अप्रैल 2022 यानी सोमवार से बैंकों के खुलने के समय में यानी आज से बैंकों के खुलने के समय में बदलाव कर दिया गया है। सोमवार से यानी आज से बैंक सुबह 9 बजे ही खुल जाएंगे। जी हां दोस्तों, हालांकि बैंकों के बंद होने के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया, इस हिसाब से बैंकों के कामकाज में 1 घंटा और जुड़ गया है। गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते कोरोना बैंकों के दिन में खुलने के समय को घटा दिया गया था। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये सभी बैंकों के लिए लागू होता है। अगली खबर की बात करें जहां पर बहुत काम की है LIC की स्कीम, हर महीने मिलेंगे 12,000 रुपए। जी हां दोस्तों, अगर आप भी छोटा निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आप ही के लिए है दोस्तों, क्योंकि LIC की स्कीम बहुत ही काम की है, क्योंकि इसमें एक बार प्रीमियम जमा करके कोई भी व्यक्ति साल में मिनिमम 12,000 रुपए की पेंशन पा सकता है, साथ ही इसमें जोखिम बिल्कुल भी नहीं है। LIC की सरल पेंशन योजना एक ऐसी ही स्कीम है दोस्तों, इस स्कीम से जुड़ने के बाद आपको अन्य कई अन्य फायदे मिल सकते हैं। आपको बता दें कि ये एक स्टैंडर्ड इमीडिएट एन्यूटी प्लान है दोस्तों, जिसमें एक मुश्त राशि जमा करने के बाद निवेशकों को एन्यूटी पाने के लिए 2 ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। ऑप्शन में एक मुश्त धनराशि व पेंशन के रूप में प्रति महीने 12,000 रुपए पाने, दोनों विकल्प मौजूद रहते हैं। जी हां दोस्तों, बाकी सारी जानकारी इसकी हमने स्क्रीन पर दे दी है दोस्तों, आप देख ही पा रहे होंगे। साथ ही आपको बता दें, गाड़ी चलाते समय साथ में नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस, RC या बीमा तो नो टेंशन, ऐसे चालान से बच सकते हैं। जी हां दोस्तों, वाहन चालकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है। अब वाहन चालक यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा पूछे जाने पर डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन है दोस्तों, या M-Parivahan मोबाइल एप्लीकेशन में डिजिटल रूप में रखे इन दस्तावेजों को आप दिखा सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट सेव रखने का बहुत बड़ा फायदा है, ये है कि आपको अपने साथ अपने किसी भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी रखने की जरूरत नहीं है, और जाहिर है इससे उनके खोने का भी डर नहीं रहेगा। तो आइए आपको बताते हैं दोस्तों कैसे इस्तेमाल होता है डिजी लॉकर का। डिजी लॉकर आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली के परिवहन विभाग की तरफ से जारी नोटिस के अनुसार डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म या M-Parivahan मोबाइल एप्लीकेशन पर डिजिटल स्वरूप में रखे गए ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का पंजीकरण प्रमाण पत्र मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत वैध दस्तावेज हैं। जी हां दोस्तों, बाकी सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दी है, इसके इस्तेमाल कैसे करते हैं दोस्तों सारी चीजें हमने दे दी है, आप देख पा रहे होंगे। ऐसे में दोस्तों बेझिझक आप अब हार्ड कॉपी को अपने घर पर रखकर दोस्तों कहीं भी जा सकते हैं, बस डिजी लॉकर में सॉफ्ट कॉपी होना बेहद जरूरी। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें दोस्तों, आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए
रहिएगा। जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप सभी अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए, और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आप सभी अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।